सोशल मीडिया के मेरे छोटे भाइयों को, समर्थकों को, तो लंबे टाइम से सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे हर मोड पे समर्थन दिया, चाहे हुंकार रैलियां हुई, चाहे बड़े आंदोलन हुए, चाहे विधानसभा के अंदर मामले उठे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने पूरे राजस्थान ही नहीं देश के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई पिछले 5 साल के अंदर लड़ी, और उसी का परिणाम है कि सबसे बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर धरती पुत्रों के नाम रही, नागौर की हुंकार के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद सीकर, और 29 तारीख को जयपुर राजधानी के अंदर भगवान गोविंद देव जी और गणेश जी की धरती पर 29 तारीख को माँ ओंकार रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस दरमियान मैंने 200 से ज़्यादा सभाएँ, रोड शो, और करीब 12-13 जिलों के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आप सबको आमंत्रित किया, लेकिन कई जगहों पे, कई जिलों के अंदर मैं नहीं आ पाया, तो मेरे भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, जहाँ मैं नहीं उपस्थित हो पाया, आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप 29 तारीख को 11 बजे से पहले पहले जयपुर राजधानी की ओर कूच करेंगे, और हमारे हुंकार के जो मुद्दे हैं, जो जन आंदोलन है जिसको लेकर हमने शुरुआत की थी, राजस्थान के किसानों को ऋण मुक्त, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, 4 लाख जवानों को रोजगार, 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी, और मजबूत लोकपाल को लेकर हमने शुरुआत की थी, और ये हमारी 5वीं हुंकार है। इन हुंकारों का ही परिणाम है कि जिद्दी वसुंधरा सरकार को झुकना पड़ा, स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, 50,000 का कर्जा माफ हुआ, मुफ्त बिजली की घोषणा हुई 5 हाउसपोर्ट तक की, और 1 लाख किसान के बेटों को रोजगार भी इस बजट सत्र के अंदर निकाला। स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट लागू की, हम पूरी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाना चाहते हैं, कानून का राज राजस्थान के अंदर हो, और 70 साल के इस कांग्रेस बीजेपी के गठजोड़ को, और विशेषकर पिछले 20 साल के अंदर गहलोत वसुंधरा का जो गठजोड़ है, इसे खत्म करना है। सबसे ज्यादा घोटाले और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अपराध इस राजस्थान के अंदर बढ़ा, हार्ड कोर अपराधियों ने जेलों से समानांतर सरकार चलाई, और मुख्यमंत्री और मंत्रियों का उनको समर्थन था, और कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध के बैठ गई, वो वसुंधरा जी की गोदी में जाके बैठ गई, तब राजस्थान के जवानों को भगत सिंह की भूमिका में हुंकार की आवश्यकता पड़ी। आपका भाई हनुमान बेनीवाल सड़कों पर भी लड़ा, विधानसभा के अंदर भी लड़ा, अब चुनाव का समय है और बढ़ती लोकप्रियता, और आप जो जंग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, तो दोनों पार्टियां घबरा गई, कांग्रेस की जो सूची आने वाली थी बंद हो गई, और भाजपा भी डिप्रेशन के अंदर आ गई। कि मेरे भाइयों से ये भी अपील करता हूँ कि कई तरह की अफवाहें भी चलेगी, कई तरह की और बातें भी आएगी, आपको इन सब की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको मिशन 18 की ओर ध्यान देना, जिस अभी तो 29 तारीख की रैली को सफल बनाना, और उसके बाद नई पार्टी का ऐलान 29 तारीख को हम जयपुर की धरती पर करेंगे, जो नया चिन्ह मिले। अर्जुन को जिस तरह मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह आपको राजस्थान के अंदर नई पार्टी दिखाई देनी चाहिए। मैंने इसके अंदर BSP, भारत वाहिनी और जितने भी दल है, इन सबको भी आमंत्रित किया कि आप लोग आए और अपना वोट बटे नहीं, और कांग्रेस भाजपा को घर बिठाएं। तो मैं मेरे राजस्थान के तमाम किसान पुत्रों को, धरती पुत्रों को, छत्तीस कौम के लोगों को आह्वान करता हूं, नए राजस्थान के निर्माण में इस दूसरे न्याय युद्ध और दूसरी क्रांति के अंदर आप अपना सहयोग दें, इस महायज्ञ के अंदर आप आहुति दें, और राजस्थान को कांग्रेस भाजपा मुक्त करें, और राजस्थान की सत्ता पे धरती पुत्र को आप बिठाएं, सत्ता के सिंहासन पे कब्जा करें। मांगने से कोई राज नहीं देगा, राज छीनने से मिलेगा, और भाइयों 29 तारीख को ताकत दिखा दो पूरे देश को, देश की नजरें जयपुर की ओर है, और जयपुर में जो चिंगारी नागौर से उठी थी वो ज्वालामुखी बननी चाहिए, और जो आंधी चली वो तूफान सीकर के अंदर बना, और यह ऐसी सुनामी आनी चाहिए धरती पुत्रों की कि कांग्रेस बीजेपी का अता पता भी नहीं चले। यह आह्वान मैं मेरे भाइयों से, मेरे समर्थकों से, मेरे शुभचिंतकों से राजस्थान के अंदर करता हूँ कि 29 तारीख को अपने अपने साधनों से, अपने अपने वाहनों से, ट्रेन बस या अगर साधन नहीं होता व्यवस्था करें साधनों खुद के स्तर पे, क्योंकि हुंकार भर के हमें तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ेगा, और एक बार अगर पूरी लड़ाई लड़ ली तो फिर सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, माफिया यहाँ से भाग जाएंगे, अपराधी भाग जाएंगे, और नए राजस्थान का निर्माण होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 29 तारीख को जयपुर कूच करें। कल जयपुर के अंदर रोड शो भी रखा है, तो आसपास के जो भाई आराम से पहुंच पाए जयपुर के आसपास के इलाकों के, वो रोड शो के अंदर भी भाग लें, और दूरस्थ जो जिलों के भाई है वो 29 तारीख को 11 बजे जयपुर की धरती पे प्रवेश करें, और पूरे देश को दिखा दें कि धरती पुत्र इस बार झुकेगा नहीं, किसान का बेटा भी हनुमान बेनीवाल के साथ भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा, और माताएं बहने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके कांग्रेस और बीजेपी पे टूट पड़ेगी।